बड़ी खबर आ रही है, रोस्तोव से भी आगे बढ़ी वैगनर ग्रुप की फौज। रूस के वोरोनेज में सैन्य ठिकानों पर वैगनर ने कब्जा कर लिया है। मॉस्को से 500 किलोमीटर दूर है वोरोनेज शहर। वोरोनेज में रूसी सेना को बहुत बड़ा झटका लगा, यानी पहले रोस्तोव और उसके बाद अब वोरोनेज में रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। और आप समझिए कैसे एक एक करके रशिया के शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं वैगनर के फोर्स, और प्रिगोजिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। लगातार वहां से धमकियां दी जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि वैगनर्स को पीछे किया जा सके, लेकिन जो एक्ट है वो कुछ और जाहिर कर रहा है। और इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए हमारे दो सहयोगी मनीष झा और इसके अलावा सुमित साथ में है, साथ साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल है। संजय भारद्वाज जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो डॉक्टर, तन्वी हर्बल्स ऐप या वेबसाइट से आज ही फ्री चेकअप के लिए अपॉइंटमेंट लें। तन्वी डॉक्टर से फोन या व्हाट्सएप पर बात करें और रहें फिट एंड फाइन। आपका हर्बल स्पेशलिस्ट तन्वी हर्बल क्लिनिक। जो कि फॉरेन एक्सपर्ट है, साथ साथ कर्नल रिटायर्ड यूएस राठौड़ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ मेजर जनरल SB अस्थाना रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मनीष, जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा था कि पुतिन के स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं प्रिगोजिन पीछे अपने कदम खींच लेंगे, लेकिन एक्ट कुछ और जाहिर करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए हालात तो यही कहते हैं कि वो हिंदी में कहावत है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रिगोजिन को यह समझना पड़ेगा कि अब उनकी वो ताकत नहीं रही जो ताकत बाखमुत लड़ाई से पहले थी। दूसरी बात, पुतिन के संबोधन के बाद रूस का माहौल बदल गया है, क्योंकि रूसी लोग एक बात को नहीं बर्दाश्त कर सकते कि आपने उनको धोखा दिया है। तो पुतिन ने बहुत ही सावधानी के साथ रूसी लोगों के दिमाग में ये बिठाने की कोशिश की है कि देखिए प्रिगोजिन की जो हरकत है वो दरअसल रूस के साथ धोखा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रूसी लोगों की नज़र में प्रिगोजिन एक हीरो हैं। वैगनर चीफ अगर मैं कहूँ तो आज की तारीख में 1.25 साल के जंग में अगर युद्ध का सबसे बड़ा कोई हीरो है तो वो प्रिगोजिन है। उस हीरो को अब दफन करना है, अगर आपको अंत करना है आपको, तो पहले उसे विलन बनाना होगा। पुतिन के संबोधन ने वही किया, यानी कि पूरी की पूरी जो इमेज रही है अभी तक हीरो की उसे बदलना होगा, और इस काम में भी थोड़ा समय तो पुतिन लेंगे ही।